सुरेंद्र चैनल। तो गाइस आज का ई प्लेयर टेम्पलेट तो आप इन्हें देख ही लिया होगा दोस्तों। यार इस तरह का ई प्लेयर टेम्पलेट बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों ई प्लेयर, जिसकी लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां पे मैंने इस एप्लीकेशन के लिंक को पिन करके रख दिया है ताकि आप इस एप्लीकेशन को इजीली डाउनलोड कर सको। और यार दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, तो वहां से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम अपना ई प्लेयर ओपन करते हैं और आपको बताते हैं कि इस तरह का टेम्पलेट वीडियो आप किस तरह बना सकते हैं। ऑलराइट गाइज, ए ई प्लेयर ओपन हमने कर लिया है। ए ई प्लेयर ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ सकता है। ओके, तो सबसे पहले आपको ए ई प्लेयर में विजुलाइजर लोड करना होगा। विजुलाइजर ई प्लेयर में लोड करने के लिए आपको इस पेंसिल आइकन के सामने जो बॉक्स आइकन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। फिर आपको नीचे लोड फ्रॉम फाइल का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको अपनी फाइल से विजुलाइजर ढूंढ कर ई प्लेयर में लोड करना होगा। तो विजुलाइजर का नाम है विजुलाइजर 32। ये विजुलाइजर आपको ई प्लेयर में लोड करना है। विजुलाइजर ई प्लेयर में लोड होने के बाद विजुलाइजर आपके सामने कुछ इस प्रकार खुल कर आएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको पेंसिल आइकन को क्लिक करना होगा। फिर आपको ऑडियो प्रोवाइडर के नीचे जो इमेज है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। साइड में इमेज का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। कस्टमाइज पे क्लिक करके नीचे पिक इमेज पे क्लिक करना है और आपको अपने बैकग्राउंड के लिए इमेज ऐसे सिलेक्ट करनी है। फिर आपको इसके नीचे जो इमेज का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। कस्टमाइज पे क्लिक करके आपको यहाँ से ये वाली इमेज आपको सिलेक्ट करनी है। फिर आपको इसके नीचे जो इमेज का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। कस्टमाइज पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से ये वाली इमेज आपको सिलेक्ट करनी होगी। फिर आपको इसके नीचे जो टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। साइड में फ्रेंड्स का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ से आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम या अपना नाम देना चाहिए तो यहाँ से दे सकते हैं। एंड दोस्तों आपको नहीं देना तो इसे यहाँ से कट करके आप डन पर क्लिक भी कर सकते हैं। फिर आपको ब्लर इफेक्ट के नीचे जो इमेज का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। नीचे जनरल टेलीमार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसे यहाँ से विजिबल कर लेना होगा। फिर आपको इसके नीचे जो स्पीकर इमेज है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इमेज वाला ऑप्शन पर क्लिक करके कस्टमाइज पे क्लिक करना है। नीचे पिक इमेज पे क्लिक करके आपको यहाँ से स्पीकर पीएनजी इमेज यहाँ पर ऐड करनी है। फिर आपको इसके नीचे जो इमेज का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इमेज वाला ऑप्शन पर क्लिक करके कस्टमाइज पे क्लिक करना है। नीचे पिक इमेज पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से ये वाली जेएफ इमेज यहाँ पर ऐड करनी है। फिर आपको इसके नीचे जो इमेज का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। कस्टमाइज पे क्लिक करके नीचे पिक इमेज पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से ये वाली पीएनजी इमेज यहाँ पे ऐड करनी होगी। फिर आपको इसके नीचे जो इमेज का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। कस्टमाइज पे क्लिक करके नीचे पिक इमेज पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से जेएफ फ्लैट लाइन वाली इमेज यहाँ पे ऐड करनी है। फिर आपको इसके नीचे जो इमेज का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। कस्टमाइज पे क्लिक करके नीचे पिक इमेज पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से जेएफ फ्लैट लाइन वाली इमेज यहाँ पे ऐड करनी है। फिर आपको कंपोजिशन वन के नीचे जो पार्टिकल का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जनरल में जाकर इसे यहाँ से विजिबल कर लेना है। फिर आपको सेकंड पार्टिकल का ऑप्शन पर क्लिक करना है। जनरल में जाकर इसे भी यहाँ से विजिबल कर लेना होगा। फिर आपको इसके नीचे जो बार का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जनरल में जाकर इसे यहाँ से विजिबल कर लेना है। ऐसे ही दोस्तों आपको सभी बार्स को जनरल में जाकर यहाँ से एक एक करके सभी को यहाँ से विजिबल कर लेना है। तो मैं सभी को यहाँ से विजिबल कर लेता हूँ। तो मैंने सभी बार्स को जनरल में जाकर यहाँ से विजिबल कर लिया है। और दोस्तों हमारा टेम्पलेट वीडियो भी पूरा कम्प्लीट हो चुका है। तो हम इस वीडियो को एक बार प्ले करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा टेम्पलेट वीडियो पूरा कम्प्लीट हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारा टेम्पलेट वीडियो पूरा कम्प्लीट हो चुका है। तो हम इस वीडियो को सेव करते हैं। सेव करने के लिए आपको यहाँ पे टैप करना होगा, प्रीसेट पे क्लिक करना है और इस वीडियो की क्वालिटी आपको यहाँ से चूज करनी है।
अगर दोस्तों ये वीडियो आपको सबसे कम एमबी अच्छी क्वालिटी में सेव करनी है तो आपको ऐसे ये वाली क्वालिटी चूज करनी है, बेसलाइन पे क्लिक कर इसे ऐसे मेन कर लेना है, फिर आपको नीचे हाइड अप लोगों पे टिक करना है और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है और दोस्तों आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होने स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आई तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपको इस चैनल पर फोटो एडिटिंग एंड वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।